हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फाइंड आउट करने वाले हैं यूनिट डिजिट की वैल्यू को। जैसा कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है आपको कि कैसे इसके यूनिट डिजिट्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इसके पहले मैं कुछ रूल्स बताने वाली हूँ आपको कि अगर हमारी यूनिट प्लेस पे मीन्स यहाँ पे फर्स्ट इसका यूनिट प्लेस 8 है, इसका यूनिट प्लेस 7 है, इसका यूनिट प्लेस 7 है, तो हमारे यूनिट प्लेस पे अगर 0 1 यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि इसको अभी सॉल्व करना होगा हमें, तो 0 1 5 and 6 वैल्यू होगी। अगर यूनिट प्लेस पे अगर हमारी वैल्यू 0 1 5 6 होगी तो आंसर इट्सेल्फ ही होगा, आंसर इट्सेल्फ होगा। बट अगर 2 3 2 3 7 and 8 अगर ये नंबर्स होगा तो हमें क्या करना होगा, उसकी जो भी पावर्स होगी, उसके पावर्स की जो लास्ट टू डिजिट होगी उसको हमें डिवाइड कर देना होगा 4 से। लास्ट टू डिजिट को हमें 2 से जो है डिवाइड कर देना है। ओके, दिस इज 2 डिजिट। ओके, मीन्स 2 3 7 and 8 का जो भी लास्ट में अगर 2 होगा या 3 होगा या फिर 7 या फिर 8 होगा यूनिट प्लेस पे, तो उसकी पावर की जो लास्ट टू डिजिट नंबर होगी उसको हमें 4 से डिवाइड कर देना है, देन उसके हमें यूनिट डिजिट वैल्यू मिल जाएगी। एंड 0 1 5 6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, अगर 4 की पावर ऑड होती है तो 4 इटसेल्फ होगा, एंड 4 की पावर इवन होती है तो 6 आंसर आएगा। और वैसे ही हमें 9 में भी जो है सेम वैसे ही होता है, 9 की अगर ऑड वैल्यू है तो 9, एंड 9 की अगर पावर इवन होती है तो आंसर इज 1। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, बस इतना सा आपको याद रखना है कि अगर 0 1 5 6 होगा यूनिट प्लेस पे तो आंसर 0 1 5 6 ही होगा, बट अगर 2 3 7 and 8 यूनिट प्लेस पे होगा तो उसकी पावर को जो 2 डिजिट होगी उसको डिवाइड कर देना होगा 4 से, देन आपका आंसर मिल जाएगा। अगर 4 का पावर अगर ऑड होगा तो 4, एंड 4 की पावर अगर इवन होगी तो 6, 9 अगर नंबर देखेंगे तो 9 की अगर पावर ऑड होगी तो 9, एंड 9 की पावर इवन होगी तो आंसर इज 1। सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले का यूज़ करके। सो फर्स्ट वन दिया है कि हमारा 7 है, तो हमने जैसा कि यहाँ पे देखा कि अगर 7 होगा तो उसकी लास्ट डिजिट अगर 7 होगी तो फिर उसकी पावर का जो 2 डिजिट है वैल्यू उसको हमको डिवाइड कर देना होगा 4 से। तो जैसे कि यहाँ पे 7 है तो 7 का जो लास्ट 2 डिजिट है 37, उसको हमें 4 से डिवाइड करना होगा, तो 4 9 36, 37 - 36 = 1, सो 7 की पावर 1 आंसर आएगी। नेक्स्ट इसका हो गया हमारा, नेक्स्ट अब 38 है, मीन्स लास्ट की जो यूनिट डिजिट पे वैल्यू है वो 8 है, और अगर 8 होगा तो इसमें भी क्या करना है हमें, लास्ट टू डिजिट नंबर को डिवाइड कर देना होगा 4 से। सो यहाँ पे 8 की टू डिजिट पावर जो है वो 2 डिजिट 54 है, सो 54 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 4, 5 - 4 = 1, 1 4 = 14, 4 3 = 12, सो 14 - 12 = 2, सो 8 की पावर यहाँ पे आंसर आएगी 2। ओके फ्रेंड, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, अगर कहीं पे भी डाउट है तो फिर प्लीज़ कमेंट करके पूछेगा। नेक्स्ट नंबर है हमारा 7, जैसे कि यहाँ पे 7 हमने किया पावर, 7 and 8 में हमें पावर जो होगी 2 डिजिट वैल्यू उसको 4 से डिवाइड कर देना होगा, तो 4 2 = 8, 9 - 8 = 1, 1 and 13, 4 3 = 12, 1 पावर आएगी, तो 7 raised to 1 into, इसमें भी आपको क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट वैल्यू को, यहाँ पे 7 है तो लास्ट 2 डिजिट को आपको 4 से डिवाइड कर देगा, तो 4 1 = 4, 5 6 7, 4 9 = 36, तो 1 पावर आएगी। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे 7 की पावर 1, 7 होगी, 8 का पावर 64, लास्ट डिजिट जो होगा वो 4 होगा, 7 की पावर 7, एंड यहाँ पे भी 7 की पावर 7 होगी। नेक्स्ट जो है हमारा 7 4 = 24 होगा, एंड 7 7 = 49 होगा, 7 4 = 28 होगा सॉरी, एंड 7 7 = 49, तो लास्ट की जो 8 एंड 9 वैल्यू है उसको आपको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 9 = 72, सो 72 का लास्ट जो डिजिट है वो 2 है, यही आपका आंसर है, यही आपकी यूनिट डिजिट है। तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो ये फॉर्मूले का यूज़ करके। आई होप यू अंडरस्टैंड।